अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल मेरी डायरी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अहम एक अपडेट पर बात करूंगा। वीडियो को गौर से आखिर तक देखिएगा। नाजरीन ग्रामी, आईपीएल में 5 नए कवानीन मुतारिफ किए गए हैं। गेम का नक्शा तब्दील कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन में 5 दिलचस्प कवानीन मुतारिफ कराए गए हैं। आइए जानते हैं वो 5 कवानीन क्या है। आईपीएल का आगाज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच से हो गया। ताहम इस इवेंट में 5 नए कवानीन भी मुतारिफ कराए गए हैं। दोस्तों, मुतारिफ कराया गया पहला कानून ये है, इंपैक्ट प्लेयर के उसूल के तहत टीमों को इजाज़त होगी कि वो खेल के दौरान लेकिन 14वें ओवर से पहले किसी खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं जो मुतबादल प्लेयर के तौर पर होगा, लेकिन वो कप्तान की जगह नहीं आ सकता। ताहम कप्तान टास के दौरान अपने इंपैक्ट प्लेयर का नाम एम्पायर को बता देगा। दूसरे कानून के मुताबिक अब टास के बाद भी टीम अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये कानून पहले नहीं था, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले टास से कबल ही खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करके शीट एम्पायर को भिजवा दी जाती थी। तीसरे कानून में कोई भी गेंद कराने से कबल अगर गैर मुनसिफाना हरकत हुई तो उसे डॉट बॉल करार दिया जाएगा और मुखालिफ टीम को 5 इजाफी रन्स मिल जाएंगे। चौथे कानून में वाइड्स और नो बॉल्स के लिए भी DRS लिया जा सकेगा और खिलाड़ियों को फील्ड एम्पायर के ज़रिए वाइड और नो बॉल कॉल्स का जायज़ा लेने की इजाज़त होगी। पांचवें कानून में स्लो ओवर रेट में 90 मिनट में टीम को 20 ओवर्स मुकम्मल कराने होंगे, लेकिन ताखीर की सूरत में मजीद एक खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के बजाय 30 गज़ के दायरे से फील्डिंग करनी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।